जमशेदपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने जमशेदपुर के मोस्ट वांटेड सुधीर दुबे को पंजाब से गिरफ्तार कर लिया है। सुधीर दुबे पर झारखंड और बिहार में दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बीते साल अप्रैल महीने में सीतराम डेरा थाना क्षेत्र में हुए डॉन अखिलेश सिंह और सुधीर दुबे गिरोह के बीच गैंगवार मामले में फरार चल रहे सरगना सुधीर दुबे को पंजाब के एक होटल से गिरफ्तार किया, जिसके बाद शहर लेकर पुलिस उसे पहुंची है, जहां पूछताछ के बाद मेडिकल जांच कराने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जमशेदपुर पुलिस गैंगस्टर सुधीर दुबे को रिमांड पर लेने की तैयारी में जुट गई है। सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट ने गैंगस्टर सुधीर दुबे की गिरफ्तारी में लगे पुलिस पदाधिकारियों की सराहना करते हुए कहा कि जमशेदपुर पुलिस की पदाधिकारियों ने, खासकर सीताराम डेरा थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी अंजनी कुमार ने, बेहद ही प्रोफेशनल तरीके से 53 घंटे तक बिना रुके 5000 किलोमीटर का सफर तय कर सरगना सुधीर दुबे तक पहुँचने में सफलता हासिल की है। उन्होंने पूरी टीम को बधाई दी। उसके अंगवार मामले में दोनों गिरोह के 34 सदस्यों को अब तक सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। लास्ट ईयर अप्रैल में सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में एक गैंगवार की घटना हुई थी, जिसमें अखिलेश गिरोह और सुदीप दुबे गिरोह के बीच में फायरिंग हुई थी। उस केसेस का बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुआ और उनमें से एक अक्यूज्ड जो अभी तक फरार था वो था सुधीर दुबे, जो गिरोह का सरगना है। उनकी गिरफ्तारी के लिए जमशेदपुर पुलिस लगातार प्रयासरत थी और हमारी टीम जिसने सक्सेस पाई है वो इंस्पेक्टर अंजनी कुमार और थाना प्रभारी सीताराम डेरा, उनके नेतृत्व में अभी की कोशिश की गई।